क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गोवा। मुझे बताया तुमने? तुमने मुझे बताया क्यों ना? मेरे बिना तुम अकेले अकेले कैसे जा रहे हो? मैं जाने नहीं दूंगी, मैं भी चलूंगी साथ में। मैं क्या घूमने जा रहा हूँ, ऑफिस ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं। बॉस की बीवी ने अरेंज किया है कि नवीन तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉस की बीवी ने क्यों अरेंजमेंट किया? वो जा रही है ना साथ में, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था कि नवीन तो कूल ड्यूड है, हंसते हुए ले जाएगा। छप्पा वेट करो, मैं अपने कपड़े निकाल ली। गवार और को कौन ले आएगा? लड़े तो चाचा ही वहां पर जाके कप प्लेट खरीदेगी। नहीं, वहां पर मार्केट दिख जाएगा नवीन नया कप सेट। तुम्हारी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पे प्रैंक करने वाले हैं कि मैं गोवा जा रहा हूँ बॉस की बीवी के साथ, यानी गोइंग टू गोवा विद बॉसेस वाइफ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं रंजा के रिएक्शन क्या होते हैं, क्योंकि जा तो मैं ऑफिस के काम से ही रहा हूँ बॉस की बीवी के साथ, फिर भी देखते हैं कैसे, क्या जिद करती है, मना करती है, क्या कहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। आई होप गेटअप देख के आधी जल जाएगी कि ये तो निकल ली है, गए गोवा गए। तो फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। Much later. रंजना, रंजना क्या है इतनी जोर? ये क्या हुआ? क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? रहा नहीं जाता। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मेरे को जाना है रंजना यार, मेरे को। कहाँ जा रहे हो? गोवा। गोवा जा रहे हो? मुझे बताया तुमने? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं बताया, ठीक है, रात को भूल गया, पर अब मुझे जाना है यार। मेरा इतनी बड़ी बात कैसे भूल जाते हैं? मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा है, ब्लू वाला अंडरवियर ला दो, मुझे जल्दी जाना है यार। अंडरवियर तो मैं ले आऊंगी, पर ये बताओ कि तुमने मुझे बताया क्यों ना? मेरे बिना तुम अकेले अकेले कैसे जा रहे हो? मैं जाने नहीं दूंगी, मैं भी चलूंगी साथ में। मैं क्या घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों के संग थोड़ी जा रहा, ऑफिस ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं। सही में? ऐसे कौन जाता है ऑफिस ट्रिप पे? वहाँ ऑफिस गोवा वाली जो ब्रांच है वहाँ पर मीटिंग है, वहाँ पर क्लाइंट को अटेंड करना है। कौन जाता है मीटिंग में? ऐसे कौन जाता है? तो क्या जाते ही चले आएंगे ऑफिस में? हाँ साहब, कहाँ हो रही है मीटिंग? जाते ही चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना? जो भी अरेंजमेंट होगा उन्होंने ही तो कराएगा, वो देखेंगे ही नहीं, ये ऑफिस वाले इस तरह से आते हैं। रंजना कैसी बात कर रही हो, जाएंगे पहले फ्रेश होंगे, होटल में रुकेंगे। कुछ भी हो मैं तो चलूंगी, जाएंगे पहले होटल में रुकेंगे, मेरे कपड़े भी वहीं पे हैं, मैं तो सिर्फ टॉवल ले आ रहा हूँ, अंडर गारमेंट ले आ रहा हूँ। तुम यहाँ तुम्हारे कपड़े मांगे ऐसे पहुंच गए? भैया वहीं पे सब कुछ अरेंज किया है, मेरी बॉस की बीवी ने अरेंज किया है कि नवीन तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉस की बीवी ने क्यों अरेंजमेंट किया? वो जा रही है ना साथ में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो क्यों जा रही है साथ में? उन्हीं की गाड़ी से जा रहे हैं हम। उनकी गाड़ी से क्यों जा रहे हो? उनकी फोर व्हीलर से जा रहे हैं, जल्दी जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, तभी तो ऐसे फ्री रिलैक्स वाले कपड़े पहन के जा रहा हूँ। जा रही है और क्या, वही तो ले जानी, उन्होंने तो मुझे सेलेक्ट किया है। कहता कि नवीन तो कूल ड्यूड है, हंसते हुए ले जाएगा, साथ हुए वापस ले जाएगा। चलो अबे साले, चलो जब मजाक में भी कहनी थी कि एक आध प्रैंक मेरे साथ भी कर लेना। चलो तुम फालतू बात मत करो, चलो मैं तो डेफिनेटली जाऊंगी अब तुम्हारे साथ। मेरा अंडर किसी की बीवी के साथ जा रहे हो? पहले ब्लू वाला अंडरवियर लेकर आओ, ढूंढो उसमें, ढूंढो उसमें, पहना नहीं है, पहना है, पर वहां पर जाके जो चेंज करूंगा मुझे ब्लू पहनना है। मुझे ब्लू ही क्यों पहनना है? इतने सारे वो क्यों नहीं पहनना? क्योंकि वहां पर ब्लू पानी है ना, तो गाना करूंगा एज ब्लू है पानी पानी, एज ब्लू है अंडरवियर। ठीक है, ढूंढो उसमें से, मिल नहीं रहा है, बाहर कहां जा रही हो? अरे धोखा डाल रहा है, बाहर लेकर आ जल्दी। लो छप्पा। दो मिनट वेट करो, मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ जल्दी से। मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ ना। कौन से कपड़े निकाल रही हो? जाने के लिए। सलवार कुर्ता, तुम गवार और को कौन ले आएगा? लड़े तो चाचा ही मार दूंगा ना, गवार आदमी तुम हो, गवार आदमी, गवार बोलेंगे, मत मत करना। पर को लग रहा हूँ मैं कहीं से गवार नहीं। मैं गवार लग रही हूँ? नहीं, वहां पे जाके क्या करेगी? कहती मैं गवार हूँ, वहां पे जाके कप प्लेट खरीदेगी। नहीं, वहां पे मार्केट दिख जाएगा नवीन नया कप सेट, नया कप प्लेट है, वहां पे घूमने जाएगी, एंजॉय करने जाएगी। नहीं, वहां पे क्या करेगी? ओहो नवीन
नई स्टाइल का कंगा ले लो। गजब बेइज्जती है। नई डिजाइन का कपलेट ले लो। कहीं नहीं आ रही है वहां पे है? शॉपिंग करने जा रही है? किसने कहा मैं कपलेट लूंगी वहां पे? वहां पे क्या करेगी? कौन कह रहा है वहां कपलेट मिलते हैं? वहां पे जाके क्या करेगी? स्विमिंग सूट पहन करके स्विमिंग करूंगी, ठीक है? गोवा में आदमी रोमांटिक होने जाता है, ठीक है? अब यार तुम वहां पे रोमांटिक होगी, तुम मुझे वहां पे भी थप्पड़ मारेगी। बात तो सही है। तुम रोमांटिक होने जा रहे हो अपने बॉस की मैडम के साथ? रोमांटिक नहीं होने जा रहे, हम तो भाई ऑफिस के काम से जा रहे हैं। बॉस की वाइफ के साथ मुझे लग रहा है तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, जा रहे हो संग मेरे तरफ से कोई चक्कर नहीं है। उनके मन में कोई चक्कर हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है? काली पीली दिमाग तो खराब मत करिएगा। फिर मैं भी जाऊंगी, मैं जाने ही नहीं दूंगी, कलेश मचा दूंगी, फोन करके कितना परेशान करूंगी, उल्टे पैर लौट के आना पड़ेगा। बॉस ने पहले से ही बोल दी थी, नवीन लेट मत हो ना, मेरी बीवी ना मुझे भी छोड़ जाती है, तुम तो बहुत दूर की चीज हो। इसीलिए तुमने मुझे रात को बताया नहीं ना कि रंजा भी जाने की जिद करेगी, इसे टॉवल रख ली है। गवार आदमी मुझे बोल रहा है टॉवल रख ली है इसमें। क्यों टॉवल नहीं मिलेगी वहाँ पे? कहते रहे सारे अरेंजमेंट कर लिए, कपड़े रख लिए, तो टॉवल नहीं मिलेगी? टॉवल अपनी ही यूज करनी चाहिए, अपनी ही यूज करनी चाहिए। वहाँ पे जो कपड़े मिलेंगे यार वो तो सिर्फ ऑफिस सूट है ना, वहाँ पे जाऊंगी। भाई मेरे पास जो सूट है वो विंटर के लिए है, कोट पैंट जिसे बोलते हैं, ठीक है? वहाँ पे मिलेगा विंटर, वहाँ पे समर वाले मिलेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जाऊंगी सिर्फ उसके लिए, मीटिंग करने के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। तुझे कौन ले आएगा? तुम ले जाओगे। बॉस की बीवी संग जाएगी? तुम ले जाओगे। तुझे बिठा लेगी वो? अकेले घूमना था तो शादी करके अकेले घूमते ना दुनिया में। घूमने नहीं जा रहा, घूमने ही जा रहे हो। जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर ब्लू अंडरवेयर क्यों लेके जा रहे हो जब गोवा के बीच पे नहीं जाओगे? तो फिर टॉवल क्यों ले जा रहे हो? गोवा के बीच पे जाओगे ना? टॉवल तो यार इसलिए आना पड़ेगा, दो दिन वहां पे रुकूंगा तो टॉवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरगारमेंट भी तो ले आ रहा हूँ। बताओ मैं चलूंगी, तुम अपनी मीटिंग वगैरह कर लेना, मुझे गोवा के बीच पे एक टी शर्ट और जींस तो मैं रास्ते में होटल में और गोवा के बीच पे छोड़ देना, ठीक है? तो तू फिर तू आ जा पीछे पीछे किसी बैलगाड़ी में बैठकर। मैं तो बॉस की कार के समझा रहा हूँ, वो नहीं बैठा लेगी तुझे। भाई ड्राइवर जा रहा है, ड्राइवर के बगल में मैं बैठूंगा, पीछे बॉस की जो वाइफ है वो अकेली बैठेगी, तू उनके संग बैठेगी? बिल्कुल बैठ जाऊंगी। वो उन्होंने नहीं बैठा ले तो मुझे तो पता भी नहीं है। वो क्या उसकी अम्मा भी बिठाएगी? वाह दीदी वाह दीदी। क्यों बिठाएगी वो? समझती क्या हूँ मुझे? वो फिर मुझे हल्के भी ले लिया है क्या? वो मुझे नहीं ले जाएगी फिर? नहीं ले जाएगी तो अच्छी बात है, फिर घर में बैठो। ऑफिस ट्रिप पे जाना यार, अच्छी बात है, कोई नहीं जाएगा, घर बैठो, कलेश खत्म। वाटर पार्क की ट्रिप देखो। मैं तो जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, कलेश मचा दूंगी घर में इतना तगड़ा वाला ना, तुम्हारे महान ननी हाल से लेकर के तुम्हारी दादी के हाल से लेकर के सबके घर में बॉस की बीवी से बात करो, फोन पहुंच जाएगा कि ये आदमी मुझे छोड़ के किसी गैर औरत के साथ गोवा के बीच पे गया, ठीक है? अब सबको फोन करके बोल दूंगी, अपने घर वालों को भी बोल दूंगी, सबको इकट्ठा कर लूंगी, देख लेना। वुमेन पावर दिखा दूंगी मैं अपनी, बस मुझे चलना है संग में चलूंगी, नहीं तो फिर मैं देख लेना। रास्ते से गवार औरत सलवार सूट पहन के घूमेगी? कब देख ली तुमने मुझे सलवार सूट में? किसने देखा? अभी पहनी तो है। ये सलवार सूट है गमार, तुम हो, ये गाउन होता है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ठीक है गमार, खुद जानते नहीं हो कुछ। कब देख ली तुमने मुझे सलवार सूट में? मेरा कहने का मतलब ये कि गोवा जाके क्या करेगी तू? क्या करेगी वहां पे जाके? तुझे मोबाइल में बैठ के हेडफोन लगा के गाने तब भी सुनेगी ना? मेरे को तो मन कर रहा है, मेरा तो अच्छा अच्छा मूड कर रहा है तो इसलिए गाने सुननी हो। यहाँ पे अभी बैठ के वही गाने सुनती है हेडफोन लगा के, वहां पे भी वही सुनेगी गाने हेडफोन लगा के? नहीं मैंने सुन है, मैं नहीं सुनूंगी, मैं डुगू एंजॉय करेंगे, डुगू भी चलेगा हमारे साथ में। डुगू बाहर चले जाएगा? डुगू स्कूल गया, पागल तू मेरे संग चलेगी? डुगू को कौन लेके जाएगा? शाम को चलेंगे ना, शाम को निकलते हैं। हां गोगली और क्या, मैडम की वहां कार तैयार। अरे तुम्हारी मैडम गई बाहर में, ठीक है जाऊंगी ना संग में जाऊंगी, अपनी मैडम को बोल देना दो दिन के लिए आ रहा हूँ, डुगू का ध्यान रखना। अपनी मैडम से कह देना मैं अपनी वाइफ को कभी गोवा नहीं लेके गया, इसलिए जाएगी तो मेरे संग में जाएगी, नहीं तो मुझे भी नहीं जाने देगी, फोन करके कह दो, हो सकता है मुझे ले जाए, और नहीं तो फिर हम अकेले अपने चलते हैं।
ट्रिप कैंसिल कर दो। बॉस की वाइफ बड़ी शरीफ है, अपने हस्बैंड को छोड़ करके तुम्हें ले आ रही है। भाई उनका काम है यार, तो तुम ही बचे थे एक। वो इससे पहले भी जा चुकी है और लोगों के साथ भी जा चुकी है, ठीक है, ऐसे ही नहीं इतनी कंपनी संभाल ले। ऐसे हर बार अलग अलग उन बंदों को ले जाती है संग में, अपने हस्बैंड को ले आती है। हाँ वो उनके संग भी जाती है, जब प्लेन वगैरह से जाती है कहीं दूसरी जगह जाती है। मैंने सही साफ बोल दिया, मैं जाऊंगी तेरे संग। चुप हो जाओ, फोन कर रहा हूँ। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं नहीं अच्छा आप आ गए हो क्या ऑफिस? अच्छा अभी अभी आप नहीं निकले हो, ठीक। हाँ मैं ऑफिस पहुँच के आपको फ़ोन कर देता हूँ। मैं एक बात पूछ रहा था, वो मेरी बीवी है ना, वो कभी गोवा देखी नहीं है, उसने गोवा सिर्फ टीवी में ही देखा है। उसकी बड़ी जिद थी कि मैं भी चलूँ साथ में, तो मैं उसको ले चलूँ साथ में। नहीं मैम, सॉरी। अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है। क्या बोल रही थी? अगर अपनी बीवी को ले जाना है ना तो अलग आना, अपनी व्यवस्था खुद कर लो, तो मेरे साथ जाना है तो अकेले चल लो। तो सही है, अलग चलती है ना? नहीं, उन्होंने ये कहा कि अपनी बीवी को ले जाओ और मैं किसी और को ले आ रही हूँ। तुम वहाँ ऑफिस की मीटिंग करने जा रहे हो, वहाँ पर क्या कहते नहीं है, अपना हनीमून मनाने जा रहे हो, समझती नहीं हो तुम्हारी, वैसे सुना दी उन्होंने मुझे। तो ठीक है, सुन लेनी चाहिए थोड़ी बहुत सुन लेनी चाहिए। वो मुझसे गवार आदमी बोल रही थी। वेरी गुड, जैसे कहता है सब बढ़िया कर जब। इतनी खुशी मुझे सत्य से मैडम के साथ जाने का मौका मिला है। मैडम के साथ जाने का मौका मिला मतलब मैडम के साथ जाने के लिए खुश हो रहे हो क्या तुम? हाँ खुश हो रहा हूँ। ऐसे क्या बात है मैडम, मैं तुम खुश हो रहे हो उनके साथ जाने के लिए? कौन नहीं, मतलब कौन नहीं अपनी बॉस की बीवी का दिल जीतना चाहेगा, उनका दिल जीतना चाहता हूँ। दिल क्यों जीतना है? मैं नहीं बताऊंगा। आने वाले फ्यूचर प्लान में मेरा कुछ फायदा ही हो जाएगा ना? फ्यूचर प्लान में बॉस का दिल जीतने की जरूरत पड़ती है। बॉस का दिल नहीं, बॉस की बीवी का दिल जीतने के लिए। बीवी का दिल जीतने की क्या जरूरत पड़ती है? मेहनत से अपना आगे बढ़ते हैं कि बॉस की बीवी को पटा करके आगे बढ़ते हैं? तुम तो हमेशा बस गंदे ही सोचोगे। तुमने बोला दिल जीतना, तो उस दिल जीतने का मतलब तो यही हुआ ना। अच्छा मुझे फिर से समझा। मैं क्या समझाऊ तुम्हें? हाँ तो दिल जीतने का मतलब क्या होता है? बॉस की बीवी का दिल जीतने का मतलब ये है कि वो थोड़ी बहुत सिफारिश कर दे मेरी बॉस से, तो मेरे बहुत सारे काम बन सकते हैं। क्या? जैसे ज्यादा सैलरी, ज्यादा छुट्टियां, ऐसी छोटी मोटी चीजें बहुत सारी हैं। मेरा प्राइवेट केबिन। चुपचाप से घर पे बैठ जाओ, ठीक है, दिल जीतेंगे। बैठ जाए यार, बॉस की बीवी का दिल जीतने के चक्कर में हमसे हाथ धो बैठोगे? अरे बॉस की बीवी का दिल जीतने के चक्कर में मैंने उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मेरी मसाज कर दोगे बीच पर। मैंने की मैम क्यों नहीं कर दूंगा मैम, सच मैंने उनको बोला। मसाज भी करने जा रहे हो? कर दूंगा उनकी, और क्या करोगे? टपा टप। मुझे तो पक्का यही लग रहा था कुछ तुम्हारे इरादे सही नहीं है तुम उनके साथ। मेरा शक सही हुआ, तुमने कहा कि तुम उनकी मसाज करोगे, कहा उतार तो बैग नहीं तो फोड़ दूंगे भी। ये है ना मुंह है ना तुम्हारा, ये तोते जैसा मार मार के भी सुझा दूंगा। बैग रख दो, चुपचाप से कहीं जा रहे उसकी मैडम बैस की वाइफ के साथ जाएंगे, मसाज करोगे वो क्यों आया करके? कहा था उन्होंने तो मैंने हाँ बोल दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है कर देते हैं। कर देते हैं हाँ कर देते हैं। कौन करता है? कोई नहीं करता, इज्जतदार आदमी कोई नहीं करता। मेरी इज्जत नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, पैसे के लिए आदमी इतना कुछ? मेरी इज्जत नहीं है, पैसे के लिए आदमी को इतना पागल क्यों हो जाते? जो तो मुंह चलोगे ना तोड़ दूंगी मैं तुम्हें। बैग रख दो, बैग रख दो ना, नहीं जाओगे? अरे ठीक है, मैं उधर बैग उधर रखने चला आया हूं मैं। कैसी लगी आगे स्वाद? तूने धक्का देने की कोशिश कैसे करी तूने? है कैसे धक्का दी? फिर मैं दे दूंगा धक्का तुझे फिर। अरे हाथ चलाने आएगी।
चलो जब निगेटिव 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 ले बैग तू रख ले, मैं तो कपड़े वहां पे ले लूंगा। बिना अंडरवियर के जाओ मैं क्या? अंडरवियर तो उसमें है ना। हां ले लूंगा रास्ते में से, ठीक है। अंदर आओ, कोई नहीं जाने दूंगी, अंदर आओ। पैंट फाड़ दूंगी पता नहीं। तो मालूम है लैपटॉप भी रखा हुआ था? लैपटॉप कहाँ रखा था? हल्का तो लग रहा है ये। हल्का लग रहा है बड़ा तुझे? मेरा हाथ छिल गया, कहीं नहीं जाऊंगी, जाने ही नहीं दूंगी तुम्हारे बॉस को, चाहे गुस्सा करे चाहे कुछ भी करे। तौलिया ले जा रहे हैं, मसाज करोगे? मसाज करोगे ना? तौलिया ले आ रहे हैं। पुराने कपड़े क्यों ले आ रहे हो? पुराने कपड़े क्यों ले आ रहे? तो अभी पहनी थी। पुराने कपड़े कौन ले आता है? नया अंडरवेयर पुरानी बन पक्का पर प्रैंक कर रहा है, मैं पागल है। उधर ऐसे ही वजन करने के लिए रख लिए थे कपड़े। शाबाश, मैं देख रही सच में कहीं लैपटॉप तो नहीं है इसमें। धुला भी है कि गंदा ही रख दिया? कितनी घबरा जाती, कितनी मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, लिपस्टिक लगा के मैं भी चलूंगी। मैं कब वाली लिपस्टिक लगा, मैं चलूंगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।